हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैवी क्लासेस। और आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास 9th की है, जिसमें मैथ का टॉपिक स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूं कि आज की जो मैथ की क्लास है, उसमें उसकी टॉपिक है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें स्पीड टाइम और डिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चन कराए जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, और फॉर्मूला और ट्रिक दोनों बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। आपको जो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, बिना टाइम पर बात करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, हम ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस है, पहले इसकी बात कर ले। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसमें स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला ही होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से एक फॉर्मूला और बन सकता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और एक फॉर्मूला बन सकता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूला होता है, इसी तीनों फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन आपके लगने होते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कभी भी हमेशा सब ये जो है डिस्टेंस, ये हमेशा किलोमीटर या मीटर में होना चाहिए, किलोमीटर या मीटर में होना चाहिए। ये अगर किलोमीटर में, तो ये आवर में या सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर, और ये आवर या मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड, यूनिट सेम होनी चाहिए। इसी तरह ये किलोमीटर, तो ये किलोमीटर पर आवर, अगर ये मीटर, तो ये मीटर पर सेकेंड होने चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि किलोमीटर पर आवर दे देता है, और क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में बात करने लगता है। तो उस सेंस में हमेशा आप याद रखना कि आपको किलोमीटर पर आवर वाले में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आएगा मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड का याद रखना कि उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। बस इतने कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान में रखते हो तो क्वेश्चन लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी हम इस पॉइंट को बीच में बताऊंगा भी। इफ अ मैन वॉक 8 किलोमीटर इन 4 आवर, 8 घंटे में 4 किलोमीटर, सर 4 घंटे में 8 किलोमीटर, द टाइम टेकन बाय हिम इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 24 किलोमीटर। ये तो आपका रेशियो का क्वेश्चन हो गया, रेशियो का क्वेश्चन स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या ये भी देखिए, पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सॉरी, 1 मिनट, हम लोग अपने बेसिक फॉर्मूला पे आते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 8, टाइम कितना है? 4, यानी 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अभी भी स्पीड सेम रहने वाली है। अब इसको कितना है, डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। तो यहां पे रख दीजिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 12। 12 आवर कितना आएगा? 12 आवर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न द सेम एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज रेट ऑफ द होल जर्नी, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला मेरे पास है, 2 into AB अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे ए जो है वो 10 है और बी जो है वो 15 है। पुट करते हैं 2 into 10 into 15 अपॉन 10 plus 15, तो आएगा 2 into 10 into 15 अपॉन 10 plus 15 हो जाए 25। काटते हैं 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 से काटेंगे 5 से जा 15, 4 3 12। 12 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी? एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होगी।
इन अ जर्नी ऑफ 160 किलोमीटर, एक जर्नी था 160 किलोमीटर का, अ ट्रेन कवर डिस्टेंस 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेन डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर. द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी, होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड बतानी है. अच्छा, पहला वो क्या किया था, पहले उस ट्रेन ने क्या किया कि अपनी 120 किलोमीटर की स्पीड 120 किलोमीटर 80 के स्पीड से गया. किसके स्पीड से गया, 80 के स्पीड गया, मतलब तो इसको जाने में टाइम कितना लगा. स्पीड यहाँ पे, ये तो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इससे निकालेंगे तो हमारा आएगा क्या, 3/2, 3/2 आवर. ठीक है, क्या आया, 3/2 आवर. टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर, ये तो 180 किलोमीटर का था, 40 किलोमीटर का निकालते हैं. 40 किलोमीटर 40 के स्पीड से गया, इसका क्या आएगा, 1 आवर. एक बार वो 3/2 किलोमीटर पर आवर और एक बार 1 आवर. अच्छा, टोटल टाइम इसको कितना लगा, तब टोटल टाइम कितना लगा, तो 3/2 + 1 तो आएगा 5/2, यानी 2.5 घंटा. कितना लगा, 2.5 घंटा. तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है, 160. टोटल टाइम कितना है, 5/2. ये 2 ऊपर चला जाएगा, 160 × 2/5, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 64 किलोमीटर पर आवर. क्या आएगा, 64 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आएगी, स्पीड आएगी. 64 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होल जर्नी में होगी. वॉक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर, अ मैन कवर अ डिस्टेंस 2 आवर 45 मिनट. रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर, द मैन विल कवर दिस मच डिस्टेंस इन. पहला काम, ये जो 2 आवर 45 मिनट है, इसको मिनट में, इसको भी आवर में चेंज किया जाए, 2 आवर 45 मिनट. 45 मिनट को पहले आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 15 3 45, 15 4 60, 2 होल नंबर, 3/4 आवर, यानी 4 2 8 और 3 11/4 आवर, ये इसका टोटल वो हो गया. अच्छा, डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम. स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर. टाइम कितना लिया, 11/4, 4 से 4 कट गया, 11 किलोमीटर. कितना दूरी है उसका, 11 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है. अब कह रहा है कि 11 के स्पीड से जाएंगे तो कितने समय में पहुंचेंगे. फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना हमको मिल गया, 11 किलोमीटर. स्पीड कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर. 11 से 11 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 आवर. क्या आएगा, 1 आवर इसकी टाइम लगेगा उतना दूर पहुंचने में. नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन टेक एज मच एज टाइम इन रनिंग 20 मीटर एज अ कार टेकिंग इट कवर 50 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टाइम कार कवर इन 1 किलोमीटर इज. कह रहा है 20 मीटर कवर करने में जितना टाइम लेता है, उतना ही टाइम लेता है 50 मीटर कवर करने में. ठीक है, 20 मीटर कवर करने में जितना टाइम लेता है, उतना ही टाइम लेता है 50 मीटर कवर करने में. तो अगर द डिस्टेंस कवर्ड अ पर्सन, पर्सन अगर दौड़ के कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर वो कार से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. तो फिर से देखिए, कह रहा है कि एक आदमी दौड़ के अगर 20 मीटर जाता है, तो उतने ही समय में वो 50 मीटर जाता है. तो फिर बोला कि वो आदमी कितना दूर जाएगा अगर कार 1 किलोमीटर जाता है, तो
बस इसी चीज को सॉल्व करना है आपको। जीरो से जीरो कटा, एक्स इक्वल टू 1000 इंटू 2/5, काटिए 5 दुना 10, 200 इंटू 2 यानी 400। आदमी कितना दूर जा पाएगा? तो आदमी 400 मीटर ही जा पाएगा जब तक जब कार 1 किलोमीटर कवर करेगी डिस्टेंस। अ जर्नी ऑफ 3 किलोमीटर टेक 2 आवर मोर देन द स्पीड इन रिड्यूस इन 5 आवर। अगर वो अपनी स्पीड 5 घंटे कम कर लेता है तो उसको 300 मीटर जाने में, 300 किलोमीटर जाने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या है? हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं स्पीड हमारी एक्स है, ठीक है? तो पहले हमारा डिस्टेंस कितना है? 300 अपॉन स्पीड हो गई एक्स। दूसरे केस में हमारी क्या है? फॉर्मूला तभी भी वही यूज होना है। 300, अब स्पीड मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर कम कर लिया, ठीक। तो इस वाले सेंस में समय ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है, इस वाले में कम लगेगा। तो ज्यादा में से माइनस, कम को माइनस करते हैं, तीन सौ बटा एक्स बराबर 2 घंटा। कितना आ गया? 2 घंटा आ गया। बस इसी केस को सॉल्व करना है हमको। इसी केस को अगर हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। एक्स माइनस 5 इंटू एक्स, तो क्या आएगा? 300 एक्स माइनस माइनस प्लस 1500 इक्वल टू 2। इस लाइन को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा, और वो क्वाड्रिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0। और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 25 एक्स प्लस 7 सॉरी माइनस 750 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस थर्टी और एक्स प्लस 25 आएगा। और फिर इसके आगे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो आएगा एक्स की वैल्यू 30 और एक आएगी एक्स की वैल्यू माइनस 25। माइनस वाले वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं तो हमारी आंसर आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। हमारी ओरिजिनल स्पीड क्या थी? 30 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। अ मोटरिस्ट ट्रेवल एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है इन ऑनवर्ड जर्नी एंड 60 किलोमीटर वाइल रिटर्निंग। हिज एवरेज स्पीड इज, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? नहीं, सॉरी, पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा। एक्चुअली में यहाँ पे आइए टाइम निकालते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1/5 आवर, ठीक है? दूसरे से ये पहला टाइम था, दूसरा टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस अभी भी वही कवर करना है, तो 10/60 1/6 आवर, ठीक है? तो अब टोटल टाइम कितना हो गया? T1 और T2 टोटल टाइम निकालते हैं, तो 1/5 आवर प्लस 1/6 आवर, इसको ऐड करेंगे तो 6, 5, 11 बटे 30 आवर, ये टोटल टाइम हो गया। फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 गया, 10 आया यानी 20 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हुआ? 11/30, ये 30 ऊपर चला जाएगा। 3 2 6, 600/11 कितना आएगा? 600/11 सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड। ये मेरे से कुछ यहाँ मिस्टेक हो गया है। हाँ ठीक है, 6/11 ये सही है। और इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो आएगा 54/6/11, 54/6/11 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा।
ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा. नेक्स्ट है ऑन अ टूर अ मोटर अ टूर मैन ऑन अ टूर अ मैन ट्रेवल एट अ रेट ऑफ 35 किलोमीटर एन आवर फॉर फर्स्ट 160 किलोमीटर एंड ट्रेवल द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर. वॉट इज द एवरेज स्पीड इन द पर आवर फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ अ टूर. एक अपने टूर में कितना उसकी एवरेज स्पीड थी. तो अभी जो जैसे मैंने लगाया वैसे ही लगाएंगे. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना था 160 किलोमीटर. स्पीड कितनी उसकी है 35 किलोमीटर. नेक्स्ट है टाइम कितना है 160. इस बार स्पीड कितना है 45 किलोमीटर. या फिर आप ना ऐसा कह दो इससे अच्छा क्या कर. जब आप एक एक बात याद रखो ये आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले. एवरेज स्पीड इक्वल टू 2ab a + b. ये कब यूज करेंगे पहली बात ये होना चाहिए. ये कब यूज करेंगे जब डिस्टेंस सेम सेम होगा तब. डिस्टेंस सेम सेम होगा तब ये यूज आप कर सकते हो. तो इसमें 2a की वैल्यू हमारी 35 है और b की वैल्यू कितनी है 45 है अपॉन 35 + 45. बस क्वेश्चन सॉल्व आपका 2 × 35 × 45 और ये 40 40 80 हो जाएगा. यहाँ पे कितना 80 हो जाएगा. और इसको सॉल्व करोगे तो 39 3/8 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी. इस कार की एवरेज स्पीड 39 3/8 किलोमीटर पर आवर होगी. आप लोग याद रखना कि जब डिस्टेंस सेम सेम होगा तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. एक्स एंड वाई आर 50 किलोमीटर अपार्ट. एक्स कैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड वाई एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर. दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर एट 7 am. एट वॉट टाइम दे विल मीट. कितने समय बाद वो दोनों आपस में मिल लेंगे. ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जब सेम डायरेक्शन होता है अब मतलब ये जब दोनों लोग एक दूसरे के तरफ आते हैं तब स्पीड को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देते हैं. अब दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये तो सॉरी दोनों लोग जब सेम डायरेक्शन में जाने लगते हो ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा माइनस हो जाएगा. सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे टोटल स्पीड निकालते हैं. पहले टोटल स्पीड दोनों लड़कों की एक्स और वाई की तो कितना होगा 14 किलोमीटर और 16 किलोमीटर पर आवर. 14 + 16 यानी 30 किलोमीटर पर आवर इसकी टोटल स्पीड होगी. तो टोटल टाइम क्या लगेगा मिलने का. टोटल टाइम होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड. टोटल डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर दूर है वो लोग. तो ये डिस्टेंस तो 15 ही रहेगा. स्पीड अब हमारा 30 हो जाएगा और ये 1/2 आवर आवर में एक दूसरे से मिल जाएंगे. यानी 7:30 पे ये लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट. ए कैन वॉक एट द एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड बी एट द एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. इफ दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर एट 8 am एट वॉट टाइम दे विल मीट. तो फिर सेम क्वेश्चन है. पहले तो हम लोग दोनों की स्पीड टोटल स्पीड कर लेते हैं. टोटल स्पीड क्या होगी 4 + 6 यानी 10 किलोमीटर पर आवर. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है 20 और टाइम कितना है स्पीड कितना है
टेन काटेंगे तो 2 आवर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आवर। अगर वो लोग 8 बजे चलना शुरू करते हैं तो 10 बजे मिल लेंगे आफ्टर 2 घंटे बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पुलिस जीप इज चेसिंग अ स्मगलर, एक पुलिस जीप है वो स्मगलर को पीछा कर रही है, इन इन 5 किलोमीटर अहेड, एक पांच जो कि उसके 5 किलोमीटर आगे है। द कार इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर एंड द पुलिस जीप परस्यू इट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट टेक द पुलिस जीप टू ओवरटेक द स्मगलर कार, कितने समय बाद वो उसके कार को पीछा कर लेगी, उसके पास पहुंच जाएगी। तो अभी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, अगर दोनों लोग ऐसे जाते हैं तो ऐड होता है, और दोनों लोग ऐसे या ऐसे जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक, तो टोटल स्पीड क्या होगी, टोटल स्पीड क्या होगी, 80 और 90। ठीक, क्या होगी 80 और 90 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 90 माइनस 80 इक्वल टू 10, 90 माइनस 80 इक्वल टू 10। और कितना दूरी उनके बीच का डिस्टेंस कितना है अगर आप देखोगे तो, एक मिनट, ये क्या हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ये इसका क्या हो गया, तो इनकी पुलिस के स्पीड की जीप 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी 1 घंटे में पुलिस की जीप 10 किलोमीटर जाएगी, और या कहे कि 60 मिनट में, या 60 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगी। अगर हम लोग मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो 10 × 60 यानी 1/6 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट में। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, कोई और अच्छे से हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा उल्टा करते हो तो ये ज्यादा अच्छे से होगा, देखिए दिखाता हूं मैं। टेन किलोमीटर इन 1 आवर या 60 मिनट, 10 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 60/10 मिनट में, यानी 6 मिनट में, 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 6 मिनट में। और वो स्मगलर की कार कितने आगे है, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कितने देर में, तो 6 मिनट इंटू 5, तो 6×5 30 मिनट में, कितने मिनट में, तो 30 मिनट में वह उस कार के पास में होगी, 30 मिनट में वह उस कार के पास में होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अ ड्राइवर हु इज ड्राइविंग हिज बस एट द एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर लोकेट अनदर बस 150 मीटर अहेड हिम, आफ्टर 30 सेकेंड ही ओवरटेक इट, द एवरेज स्पीड ऑफ द सेकेंड बस इज, सेकेंड बस की एवरेज स्पीड बतानी है। सेम काम है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि पहले दोनों का स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना होगा, अ बस ड्राइवर हु इज ड्राइविंग हिज बस हिज एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर लोकेट अनदर बस इज 150 मीटर अहेड, डिस्टेंस आपको कितना मिल गया, डिस्टेंस 150 मीटर, कितने को पार करना है, 150 मीटर को पार करना है। टाइम हमको मिल चुका है 30 सेकेंड, टाइम कितना मिला है 30 सेकेंड, तो हमारा स्पीड क्या होगा, पहले हम लोग इस इन दोनों का यूज करके स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150 अपॉन 30, 0 से 0 काटेंगे तो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड,
उनके स्पीड उनके बीच का अंतर कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। पर क्वेश्चन कितने हैं? आवर में है। क्वेश्चन किस में है? आवर में है। तो 5 मीटर पर सेकेंड को हम लोग को किस में चेंज करना होगा? आवर में चेंज करना होगा, किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने क्या बताया था, 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 5 कट जाएगा, आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इनका डिफरेंस कितना होगा? D1 - D2 इक्वल टू 18 किलोमीटर, ठीक है। D1 - D2 इक्वल टू 18 किलोमीटर। जो पीछे वाली बस थी वो ठीक है, पीछे वाली जो बस थी उसकी इसकी स्पीड ज्यादा थी, आगे वाली की स्पीड कम थी, इक्वल टू 180। तो 45 - 18, 45 में से 18 माइनस करेंगे तो 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, और दो और तीन और माइनस करेंगे तो आएगा 27, 24 किलोमीटर पर आवर, 27 सॉरी 27 किलोमीटर पर आवर इसका क्या होगा, आंसर होगा। और ट्रेन इज 600 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इन वॉट टाइम इट विल पास अ टर्नल 200 मीटर लॉन्ग। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ट्रेन का डिस्टेंस प्लस टर्नल का डिस्टेंस, टोटल 600 मीटर और 200 मीटर, यानी 800 मीटर का डिस्टेंस उनको क्या करना है, कवर करना है। स्पीड उनकी क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। ये हमारा मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये जो स्पीड हमारी किलोमीटर में है। आंसर देखोगे तो सेकंड में आ रहा है, तो इसका मतलब इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18 × 18 = 36, 18 × 54, ये 3 आ जाएगा, यानी 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 800 है और स्पीड 15 है, 800 है और 15 है, और इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 53 होल नंबर 1/3, 53 होल नंबर 1/3 सेकेंड। इतने सेकेंड में वो क्या करेगा, उस टनल को पार कर ले जाएगा। अ मैन ट्रेवल 3/4 ऑफ हिज डिस्टेंस इज जर्नी बाय बस, 1/6 बाय रिक्शा और 4 किलोमीटर ऑन फुट, हाउ मेनी किलोमीटर डज ट्रेवल इन द जर्नी। कितना डिस्टेंस वो उसने कवर किया, तो पहले देखो इस फ्रैक्शन वाले को ऐड कर लो, 3/4 और 1/6, इतना फ्रैक्शन में चला वो। इसका एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, एक ऐसा टेबल में ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, तो 12, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 6 × 2 = 12, ये 2 हो गया, 11/12 डिस्टेंस उस वो चल चुका है। कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो रिमेनिंग क्या होगा, 1 - 11/12, सॉल्व करोगे तो 1/12, उसको चलना कितना था 12, चल कितना गया 11, बचा कितना 1, कितने में से 12 में से। ये 1/12 डिस्टेंस जो है वो 4 के इक्वल है, यही तो 4 बचा बचा हुआ, 4 किलोमीटर पैदल गया था, तो 1 कितने के इक्वल होगी, तो 4 × 12, 4 × 4 = 48, 48 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर किया था, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस वो क्या किया था, कवर किया था। स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 × 36, 5 × 10 मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड इसकी आंसर आ जाएगी। हम लोग आते हैं 16 पे हैं। अ मैन वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एट एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज ऑफिस 6 मिनट लेट। इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। एंड रीच हिज ऑफिस इन 6 मिनट लेट। इफ ही वॉक एट एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ही रीच 2 मिनट अर्लियर, वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस टू हाउस। उसके ऑफिस से घर का डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग मान लेते हैं उसके ऑफिस से घर का डिस्टेंस कितना है, एक्स किलोमीटर का है, और उसको टोटल टाइम डिफरेंस ऑफ टाइमिंग कितना होगा, डिफरेंस ऑफ टाइमिंग, एक बार 8 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, एक बार 2 मिनट लेट पहुंच रहा है, सॉरी
हाँ एक बार 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, 2 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी 10 मिनट, सॉरी 6, 1 बार वो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है और 2 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टोटल डिफरेंस हो गया 8 मिनट का। इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो 2/15 आवर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब स्पीड हम लोग एक्स डिस्टेंस था और 5 के स्पीड से जा रहे थे, और एक्स डिस्टेंस को ये 6 के स्पीड से जा रहे थे, तो टोटल टाइमिंग का डिफरेंस कितना आ रहा था? 2/15। इसी चीज को अगर आप सॉल्व कर ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा 36x-5x=2/15। 15 दुना 30, मतलब एक्स बराबर 2 दुना 4, कितना डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर का। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर का। आपको डिफरेंस निकालना है, सॉल्व कर देना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अ पर्सन पैडल फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ x1 एंड रिटर्न द सेम रूट एज x2, हिज एवरेज स्पीड। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 2ab a + b, देखिए ये फॉर्मूला है 2ab a + b, ये फॉर्मूला होगा। आइए 18 के बाद 19 पे चलते हैं, 17 के बाद 18 पे चलते हैं। अ मैन वॉक एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन, ही मिस हिज ट्रेन 5 by 5 मिनट। हाउएवर ही वॉक एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर रिच द रेलवे स्टेशन 6 मीटर बिफोर द शेड्यूल डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन। तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है? 6 और 5 11 का टाइम का डिफरेंस कितना है? 6 और 5 यानी 11 का, 11 मिनट का डिफरेंस है। इस मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 11/16 आवर हो जाएगा, 11/60 आवर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग की स्पीड हम लोगों ने एक्स मानी, तो एक्स देरी किसमें हो रहा था? जब हम लोग किसके स्पीड चल रहे थे? 5 के स्पीड चल रहे थे। और जल्दी कब हो रहा था? जब 6 के स्पीड चल रहे थे, और डिफरेंस कितना था? 11/60 का। एलसीएम लेंगे 36x-5x=11/60, तो आएगा क्या आएगा? x=x/30=11/60, इस काटेंगे 2, x=11/2, हमारा आंसर आएगा या 5.5 किलोमीटर, ठीक है। 5.5 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा, उसके घर से रेलवे स्टेशन 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। अ कार मूविंग स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज स्पीड ऑफ इन मीटर पर सेकेंड। 80 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए और आंसर आएगा 22√2/9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट साइकिल नॉन स्पीड एट ए टू बी एट 14 किलोमीटर एट सर्टेन एवरेज स्पीड। इफ हिज एवरेज स्पीड इज रिड्यूस 1 किलोमीटर पर आवर, देन ही टेक 1/3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। द ओरिजिनल एवरेज स्पीड बतानी है, ओरिजिनल एवरेज स्पीड बतानी है। हम लोगों ने स्पीड मान लिया एक्स, 14 किलोमीटर x-1 के स्पीड से गया और 14 किलोमीटर x के स्पीड से गया। इस वाले में टाइम ज्यादा लगेगा, इस वाले में कम लगेगा, इनका डिफरेंस कितने का होगा? 1/3 आवर का। बस इसी लाइन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। एक क्वाड्रिक इक्वेशन क्रिएट होगा, x-1 और x, तो ये हो जाएगा 14x-14x+14=1/3। और इससे जो क्वाड्रिक इक्वेशन आपका बनेगा वो होगा x²-x-42=0, और हमारा जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद होगा x²-7x, 7x+6x+42, तो x-7 और x+6 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 और एक्स की वैल्यू आएगी -6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 7 आएगी, एक्स की वैल्यू -6 आएगी, तो
हमको माइनस वाली वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। और ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, एट वॉट टाइम विल इट पास अ मैन हु रन एट 10 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन इज विच ट्रेन लॉन्ग गोइंग। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मैंने बताया था कि जब दोनों चीज सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो प्लस होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन में था तो स्पीड जो होगी कम हो जाएगी, 70 माइनस 10 यानी 60, कितना आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है 200 मीटर। टाइम क्या होगा, टाइम के लिए बात करें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 200, स्पीड 50/3, तो आएगा 200 × 3/50, जीरो से कटेंगे जीरो, ये आएगा 4 × 4 = 12, क्या आ जाएगा 12 सेकेंड, 4 × 12 सेकेंड इसका सही आंसर होना है, चाहती है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में वो लड़के को क्या कर ले जाएगी, पार कर ले जाएगी। इफ अ ट्रेन इज रनिंग 36 किलोमीटर पर आवर, टेक 2 मिनट 20 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड ना, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 2 मिनट कन्वर्ट करें तो 2/60 करते हैं, और सेकेंड को करते हैं तो 16 × 60 कर देते हैं, तो इस तरह इसको जब सॉल्व कर लोगे आप लोग तो आएगा 7/180 आवर, 7/180 आवर, तो हमारा होगा डिस्टेंस, ब्रिज का लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपका कितना है 36 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम क्या है 7/180 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 किलोमीटर जो होगा आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ चुके हैं। अ पैसेंजर ट्रेन टेक 3 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लिए कि ट्रेन की स्पीड x थी और वो ट्रेन की स्पीड x थी ना, तो 360 किलोमीटर में x की स्पीड से गया और 360 किलोमीटर x माइनस 10 के स्पीड से गया, और दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 3 आवर का हो गया। बस इसी लाइन को अगर आप सॉल्व कर ले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 360 को हम लोग साइड में रख देते हैं और सॉल्व करते हैं तो आएगा x माइनस 10 माइनस x अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 3, x से x कटेगा, स्पीड क्या करता है बढ़ाता है ना, इंक्रीज करता है, प्लस 10 होगा बाबू। ठीक है, x से x कटेगा और यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा वो इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200, और इस चीज को हम लोग जब सॉल्व करोगे तो आएगा x प्लस 40 और x माइनस 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 40 आ जाएगी और एक आ जाएगी 30, माइनस वाले वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और x की वैल्यू क्या हम लोग ले लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, x की स्पीड क्या ले लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। एक फास्ट ट्रेन टेक अ 1 आवर लेस अ स्लोअर ट्रेन इन अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की जर्नी में इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्टर ट्रेन, तो ये हम लोग फास्टर ट्रेन को x मान लेते हैं, उसकी स्पीड x मान लेते हैं, तो डिस्टेंस होगा x माइनस 10, स्पीड उसकी x माइनस 10 होगी और ये 200 ये x हो जाएगी, और
टाइम कितना लगेगा, 1 आवर। इसी चीज को सॉल्व करते हैं हम लोग फिर से, 200 एक्स माइनस एक्स प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा और ये आ जाएगा 2000। क्या आ जाएगा, 2000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000। इसको क्या करेंगे, 50 माइनस 40 कर लेते हैं, 50x प्लस 40x माइनस 2000 क्या आएगा, x माइनस 50, 40 कॉमन करेंगे तो आएगा x, एक आएगा x माइनस 50 और एक आएगा x माइनस 40, माइनस वाले को भूल जाएंगे और x बराबर 50 हमारा सही आंसर होगा। फास्टर ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा होगी। नेक्स्ट है द टाइम टेकन अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू द ट्रेवल जर्नी। इफ ही रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ गोइंग, व्हाट वाज द स्पीड पर आवर। तो ये मैं आपको आज एक होमवर्क देता हूँ, 25 क्वेश्चन पर आपको होमवर्क में करके मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करना है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। ये क्वेश्चन जो है सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको बस सॉल्व करके आंसर दिखाना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।